गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। और आज हम जा रहे हैं लेह, और यहाँ से सोनमार्ग है 81 किलोमीटर। और आज एक हाई पास भी कवर करना है, एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन जोजिला पास भी कवर करना है। और अभी हम गंदरमाल में पहुँच चुके हैं। गंदरमाल के बाद वायु के बाद बादल, और उसके बाद सोनमार्ग। और सोनमार्ग यहाँ से अब 65 किलोमीटर दिखा रहा है। वहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे लेह के लिए। आज देखते हैं लेह अगर पहुँच पाते हैं या नहीं। अगर लेह नहीं पहुँच पाते टाइम से तो हम लामायूरी पे रुक जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे भी है, तो देखते हैं हम कहाँ आज पहुँच पाते हैं। और श्रीनगर का स्टे बहुत ही अच्छा था, 2 दिन के लिए रुके। और हमारा आरटीपीसीआर का रिपोर्ट भी कल आया था और हम सबका नेगेटिव है। वेलकम बैक गाइस। और अभी और सोनमार्ग 30 किलोमीटर दूर है, और मेरे राइट के तरफ एक नदी बह रही है और मेरे सामने पहाड़ है, और नज़ारा कुछ बहुत ही बढ़िया है। सच में कश्मीर बहुत ही जन्नत है, जो बोलते हैं कश्मीर जन्नत है, रियली कश्मीर जन्नत ही है। और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पे ये पूरा ही नेचर एरिया है, मतलब आप जो कुछ चाहो आपको मिल सकता है। और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत ही साफ सुथरा है, और यहाँ और अभी और लद्दाख 370 किलोमीटर है, और लगता नहीं कि आज, देखते हैं पहले जोजिला क्रॉस कर ले, उसके बाद फिर सोचेंगे। और ये बहुत ही अभी तो लगभग 10,000 से 11,000 फीट पे हम गाड़ी चला रहे हैं, और सीनरी भाई मस्त है, बहुत ही बढ़िया है। मन तो करता है यहाँ पे ऐसे ही मैं घूमता रहूँ। और वेलकम टू सोनमार्ग। और अब हम पहुँच चुके हैं सोनमार्ग। नज़ारा देखो, क्या व्यू है, और वो रही पहाड़, हमें उस तरफ ही जाना है। और अब चढ़ाई बढ़ती जा रही है, तो देखते हैं। क्या बोलूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, काफ़ी बहुत ही सुंदर है। और थैंक्स टू बीआरओ, क्योंकि इतना अच्छा रोड बनाया है इतने हाइट पे, सैल्यूट है उनको। ऊँचे ऊँचे पहाड़ पे रोड बनाना बहुत ही हैट्सअप। और अभी हम धीरे धीरे चढ़ाई करते हुए
करीब 12,000 फीट पे है। तो मैं जब फूलमार्ग में चढ़ा था वो 10,000 फीट पे था, और 10,000 में भी थोड़ी पावर ड्रॉप हो रहा था। तो पे एंट्री होते ही आपको दिखाना पड़ेगा लद्दाख अथॉरिटीज को। तो इस कोविड टाइम पे ट्रैवलिंग करना थोड़ा मुश्किल है, और क्योंकि कोविड का चक्कर है, और वो टेस्ट वगैरह हमारा 3 बार टेस्ट हो चुका है अब तक। और जब लद्दाख में पहुँचेंगे वहाँ पे भी एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा,